Welcome to City of Joy, Kolkata. Hi guys, I'm Priyanka. Aaj main aapko dikhaungi Kolkata ka famous street food. So come on, let's get started. कोलकाता स्ट्रीट फूड की शुरुआत करूंगी मैं यहाँ के फेमस ब्रेकफास्ट के साथ जो कि है पूरी भाजी और साथ में पीऊंगी एक गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। तो ये देखिए गाइस मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनना तैयार हो गई हैं और ये क्या मस्त मस्त पूड़ी है और यहाँ पे तैयार हो रही है एकदम कड़क चाय। तो गाइस ये आ गई मेरी गर्मा गर्म पूड़ी भाजी और ये देखिए ये है गर्मा गर्म पूड़ियाँ, उसके साथ आपको दी जाती है आलू टमाटर की भाजी और साथ ही में है ये मिर्च का अचार और ये है मेरी फेवरेट केसर वाली चाय। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। ओके वाओ, थोड़ी भाजी में डिप करी जाए पूड़ी। भाई ये पूड़ी के अंदर मैं देख सकती हूँ इसमें उड़द दाल की फिलिंग है और ये जो आलू टमाटर की भाजी है वो बहुत ही स्पाइसी है, बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। चलिए अब ज़रा कुल्हड़ वाली चाय भी पी के देखते हैं। भाई ये वाकई बहुत ही डिफरेंट है चाय, इसके अंदर जो केसर डाला है उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से इसके अंदर इन्फ्यूज़ हुआ है एंड ये जो मिट्टी का कुल्हड़ है ना, इसमें चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कोलकाता की फेमस झाल मुरी एंड झाल मुरी इज़ अ परफेक्ट स्नैक और आप इसको कभी भी और कहीं पे भी खा सकते हैं, पर हाँ ये हमारी मुंबई की बेल पूरी से बहुत अलग होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए झाल मुरी बनना स्टार्ट हो गई है और इसमें डाले जा रहे हैं पीनट्स, अनियंस और अब डाली जा रही हैं अलग अलग तरीके की नमकीनें और ये देखिए अब इसमें डाला जा रहा है नींबू का अचार प्लस मस्टर्ड ऑयल। वाओ, ये आ गई मेरी झाल मुरी और ये कुछ कुछ मुझे सूखी भेल की तरह लग रही है और इसके साथ आपको दिया जाता है यहाँ पे ये कोकोनट। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। ओके वो भाई ये झालमुरी तो बहुत ही डिफरेंट है हमारी मुंबई की भेलपूरी से और इसके अंदर मुझे मस्टर्ड ऑयल और नींबू के अचार के मसाले का बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा है। भाई मज़ा आ गया। सो मैं आ गई हूँ लक्ष्मी नारायण एंड सन और ये एक 100 साल पुरानी दुकान है जो अपने तेली भाजा के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको तेली भाजा में मिल जाएंगी 10 से भी ज़्यादा वेराइटी एंड गाइस तेली भाजा बेसिकली पकौड़ों को बोलते हैं और मैं ही क्या, यहाँ के तेली भाजा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी खाया करते थे। तो चलिए आप ट्राई करते हैं। सो ये देखिए गाइस मैंने ऑर्डर करा है प्याज के पकौड़े, आलू के एंड बैगन के पकौड़े। चलिए आप ट्राई करते हैं। भाई काफ़ी क्रिस्पी हैं ये पकौड़े और ये जो प्याज है ना वो हल्की सी मिठास भी ऐड कर रहे हैं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। सो गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगी कोलकाता की एक बहुत ही फेमस यूनिक फ्यूजन ड्रिंक और ये देखिए इसको बोलते हैं मिल्क कोला। सो बेसिकली मिल्क कोला को बनाया जाता है शुगर, मिल्क और थम्सअप के साथ और उसके ऊपर ऐड की जाती है बर्फ। तो चलिए अब ट्राई करके देखते हैं कैसी है ये। भाई बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये और ये कुछ कुछ मुझे बचपन में हम लोग आइसक्रीम फ्लोट बनाया करते थे उस तरीके से लग रही है। भाई मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। कोलकाता आए हैं और काठी रोल ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस मैं हूँ इस समय पार्क स्ट्रीट के कुसुम रोल्स के यहाँ जिनके चिकन मटन और एग रोल बहुत ही फेमस है। तो चलिए ट्राई करते हैं इनका वेज एग रोल। ये देखिए रोल बनना स्टार्ट हो गया है और ये देख रहे हैं क्या बढ़िया तरीके से इस अंडे को पराठे के ऊपर कोट किया जा रहा है। वाओ, और अब इसमें डाला जा रहा है प्याज और चाट मसाला। तो ये आ गया मेरा वेज एग रोल। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। ये
दिस रोल इज सो सो गुड. इस रोल की जो खासियत है वो इसका जो पराठा है जो कि फ्लेकी होने के साथ साथ बहुत ही क्रिस्पी भी है, और इसके अंदर जो वेजीज डाली है ना वो प्याज नींबू और मसाले के साथ तो एकदम कमाल की लग रही है. आई थिंक इसको खाने तो मैं बार बार आ सकती हूँ. सो मैं हूँ इस समय कामक स्ट्रीट पे, और यहाँ पे मिलता है बहुत सारा स्ट्रीट फूड, चौमिन से लेके झालमुरी तक, रोल से लेके कुलचे तक. तो चलिए हो जाए कुछ स्ट्रीट साइड लंच. सो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है. सो ये है मिक्स वेज, ये है छोले, ये आ गई आपकी दाल मखनी, ये है दम आलू, और ये कोई मिक्स वेज ही है, और ये मेरा फेवरेट पालक पनीर. वाह, और यहाँ पे बन रही है फ्रेश रोटियाँ तंदूर के अंदर, और यहाँ पे मिल रहे हैं आपको कुलचे, पराठे, तंदूरी रोटी, और मैंने ऑर्डर करी है ये मिस्सी रोटी, और अब ये जाएगी तंदूर के अंदर. सो ये देखिए गाइस, ये आ गई मेरी फुल फ्लेजेड पंजाबी थाली. एंड आई कांट बिलीव कि कोलकाता की स्ट्रीट में आपको फुल फ्लेजेड पंजाबी थाली तक मिल जाती है. सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे पास है ये मिस्सी रोटी जिसके ऊपर इन्होंने स्पेशल मसाले डाले हैं और प्याज डाले हैं, और ये है मलाई कोफ्ता, ये मिक्स वेज, ये पालक पनीर, और ये है दाल मखनी. भाई अब तो रुका नहीं जा रहा है, तो चले ट्राई करते हैं. चलिए खाती हूँ पालक पनीर. ओके भैया, मिस्सी रोटी तो बहुत ही गजब की है. इसके अंदर भी इन्होंने प्याज डाले हुए हैं और हरी मिर्च के छोटे छोटे पीसेज हैं जो बहुत ही बढ़िया स्पाइस ऐड कर रहे हैं. और जो पालक पनीर है ना वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, इन्होंने इसको टमेटो के साथ ग्रेवी को बनाया है, तो थोड़ी सी मिठास है इसके अंदर. और चलिए अब खाती हूँ मैं इनकी दाल मखनी, ट्राई की जाए. बहुत ही डिफरेंट है ये दाल मखनी, काफ़ी क्रीमी है, बट इसके अंदर इन्होंने जो टमाटर का पेस्ट यूज़ करा है वो अच्छा टैंग ऐड कर रहा है, एंड आई थिंक बहुत ही बढ़िया है ये दाल मखनी. चलिए अब देखती हूँ, हाँ ज़रा मलाई कोफ्ता भी तो हो जाए. ओके अरे वाह, इसके अंदर तो मलाई दिख रही है भरी हुई. काफ़ी सॉफ्ट है कोफ्ता, और इसके अंदर जो क्रीम भरी हुई है वो दिख रही है, हल्का सा सारनेस ऐड करा हुआ है इस कोफ्ते के अंदर. और भाई वाकई पंजाब का स्वाद कोलकाता के अंदर अनबिलीवेबल. इट्स डिजर्ट टाइम, और भाई कोलकाता आए हैं तो स्वीट्स खाना तो बनता है, एंड बंगाली स्वीट्स आर माय पर्सनल फेवरेट. सो गाइस मैं आ गई हूँ गिरीश चंद एंड डे के यहाँ, जो कि 150 साल पुरानी लेजेंडरी स्वीट शॉप है, और ये अपने संदेश के लिए जाने जाते हैं. तो चलिए ट्राई करते हैं इनकी लेजेंडरी मिठाइयाँ. सो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी संदेश के अंदर 10 से भी ज़्यादा वेराइटी, और इनके संदेश ऐश्वर्या राय से लेकर हिलरी क्लिंटन तक और ममता बनर्जी से लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक ने खाए हैं. Isn't it amazing? सो ये आगे मेरे संदेश, ये देखिए गाइस मैंने ऑर्डर करा है चॉकलेट संदेश, नॉर्मल संदेश, जल भरा संदेश एंड बड़ा स्कॉच संदेश. तो चलिए आप ट्राई करते हैं, और सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी ये चॉकलेट संदेश. बहुत ही गजब का है ये, इतना सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है, और इसके अंदर चॉकलेट का भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है. ये संदेश बेसिकली छेने से बनाया जाता है. तो चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ, यस जोल बोरा संदेश. भाई इसके अंदर तो गुड़ भरा हुआ है. तो ये जोल बोरा संदेश तो मैं पहली बार खा रही हूँ, दिस इज वेरी डिफरेंट, और जो गुड़ का टेस्ट आ रहा है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग आ रहा है. तभी तो बोलते हैं ना कोलकाता की मिठाइयों का तो कोई जवाब ही नहीं है. मुझे तो बहुत मज़ा आया कोलकाता स्ट्रीट फूड कवर करके, पर हाँ अभी बहुत कुछ बाकी है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. पर हाँ उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट वन.